हे गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल मनीष त्रिदीप। और यहाँ पे मैं फ़ोन के इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरा माइक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम लोग नए हो तो वीडियो एंड तक देखना। ताज़ा खबर का रिव्यू है भाई, हमारे भुवन बाम का रिव्यू है। ही हैज़ बीन ए रियली लाइक ही भुवन बाम हैज़ बीन माई आइडल। लाइक मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, आई हैव फर्स्ट स्टार्टेड दिस चैनल कॉल्ड थ्री दैट यू, जहाँ पे मैं ऐसे स्किट वीडियोज़ कॉमेडी वीडियोज़ बनाता था। तो ही वॉज माई आइडल, ही इज़ माई इंस्पिरेशन बेसिकली, राइट। सो उनका सीरीज देखना, फ्रॉम एन बीइंग एन यूट्यूबर टू बी इन ए ओटीटी प्लेटफॉर्म टू क्रिएट हिज ओन सीरीज, इट इज रियली इंस्पिरेशनल, राइट। सो ही हैज बीन लाइक दैट काइंड ऑफ, मैं उस मेरा वो एक बायस रहेगा उसके लिए। बट ताज़ा खबर सीजन वन में वो था एंड रियली इट वॉज रियली गुड। बट ताज़ा खबर सीजन टू आ चुका है एंड नाउ यू हैव टू रियली फोकस ऑन द कॉन्टेंट ऑफ द सीरीज, क्योंकि मैं सीरीज का रिव्यू करने वाला हूँ। तो यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्टेंट ऑफ द सीरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के और कुछ बिना कुछ क्लैरिटी ना देके चलिए आगे बढ़ते सीरीज की तरफ। अगर तुम आप लोगों को रिव्यू पसंद आएगा तो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कमेंट डाउन बिलो कि आप लोगों को कैसा लगा सीरीज। और अगर नहीं देखा है तो पहले रिव्यू देख लो, फिर जाके जरूर हॉटस्टार पे देख सकते हो, इसी प्लस हॉटस्टार पे जरूर जाके देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी गुड पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। नंबर वन, जो इसके एक्शन सीन्स है, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ताज़ा खबर जैसी सीरीज के जो एक्शन सीन्स रहेंगे इतने अच्छे रहेंगे, बट रियली गुड। द शेकी कैमरा था, हैंड हेल्ड मूवमेंट्स रियली गुड। आई हैव पर्सनली शॉट ए शॉर्ट फिल्म, मैंने दूसरे शॉर्ट फिल्म में भी काम किया है एज ए डायरेक्टर, एज ए वीडियोग्राफर। तो आई नो हाउ हार्ड इट इज़ टू लाइक प्रॉपरली एग्जीक्यूट। और मैंने तो एकदम शॉर्ट लो बजट में काम किया था, टू हैव दैट काइंड ऑफ बजट एंड देन वर्क ऑन इट, रियली गुड जॉब, कुडोस टू दैट। प्रॉपर अच्छा लगा, एकदम प्रॉपर अच्छा लगा एक्शन सिक्वेंसेज। देन द सेकेंड थिंग जहाँ पे मेरे मिक्सड ओपिनियन से आर द डायलॉग्स। मतलब पहले के स्टार्टिंग के एपिसोड में तो मिल जाएगा कि भाई क्या गांड फॉर डायलॉग्स है, मतलब पूरा एग्जैक्ट कि मैं भी इस सिचुएशन में होता, मुझे भी ऐसी ही गालियाँ निकलती मेरे मुँह से, मैं भी इस सिचुएशन में होता, मेरा भी यही डायलॉग निकलता। बट धीरे धीरे क्या होता है ना, डायलॉग्स का जो वो रहता है ना, जब जावेद जाफरी आता है तो उनका जो ऐसा ज्ञान वाला जो कोटेबल्स रहता है ना कि मुझे शायरी या पेलनी है, तो ऐसे तुम्हारे कुछ दोस्त होंगे कि कुछ अगर तुम किसी को पूछो कि भाई तू सोया क्यों नहीं, कि नींद लेके भी क्या फ़ायदा जब आराम मेरे तन को नहीं, मेरे मन को आराम चाहिए तो तन को नींद देके भी क्या फ़ायदा। तो ऐसे अगर कोई बोले तो ऐसा पहले एक दो बार अच्छा लगेगा, बट अगर वो हर सेंटेंस में ऐसे ही बोलता रहे ना तो थोड़ा बहुत ऐसा क्लीशे टाइप का लग जाता है। तो हाँ, मुझे थोड़ा बहुत ऐसा फील हुआ, आई डोंट नो तुम लोगों का। हाँ, काफ़ी ज़्यादा कोटेबल्स है क्योंकि ये एडिट्स में बहुत ज़्यादा बनेंगे, इसका आई एम श्योर, प्रीटी श्योर एडिट्स बहुत ज़्यादा बनेंगे, तो कोटेबल्स बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, और बाकी मुझे डायलॉग्स का वही था कि मुझे पहले से डायलॉग्स बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहे थे, बट धीरे धीरे वो हो गया। नंबर थर्ड वन इज डायरेक्शन, द फिल्म डायरेक्शन। मतलब एक ऐसा सीन मुझे याद था जब भुवन बाम ऐसे बिस्तर पे लेटा हुआ था, ठीक है, आई गेस एपिसोड 4 या 3 का था, बिस्तर पे लेटा हुआ था, फिर बाहर से तुम्हारा वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, लाइट चेंज होता है, रात हो जाता है, वो वाला सीन मुझे बहुत ही प्यारा लगा। फिर पहली बार जो वो देखते हैं इतने सालों बाद उसकी प्रेमिका को देखता है, एंड जो लाइटिंग से जो डिपिक्ट किया गया उनका इमोशंस, उनका मन का वो तन की क्या था, इतने दिनों से कहाँ थे, तो वो सब बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो ओवरऑल सीरीज मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एज ए स्टोरी वाइज मुझे इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग कि आई हैवेंट सीन, आई हैव ऑलरेडी सीन सीरीज लाइक दिस। तो इसलिए मुझे सीरीज उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया पर्सनली, स्टोरी इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। बट ओवरऑल अगर मैं ओवरऑल जो रेट करना चाहूँ, आउट ऑफ 10 आई विल गिव इट 8, 7.5 or 8। सो इफ यू गाइज लव भुवन बाम यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। इफ यू गाइज डोंट लव भुवन बाम, जस्ट नया तुमको ताज़ा खबर देखना है फॉर इट सीरीज, तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार जरूर देख सकते हो। तो फैमिली के साथ, अगर गाली वाली चलती है फैमिली के साथ भी देख सकते हो, रियली गुड सीरीज। तो उतना ही था कि रिव्यू, मुझे सीरीज ओवरऑल पसंद आया, मतलब एक टाइम वॉच के लिए पसंद आया, मैं इसको बार बार नहीं देखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई सीरीज देखता हूँ लाइक ब्रेकिंग बैड, आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विद ब्रेकिंग बैड, आई एम रियली सॉरी, बट अभी मेरे दिमाग में वही आ रहा है। तो ब्रेकिंग बैड जैसे मैं बार बार देख सकता हूँ, राइट, तो आई वोंट बी वॉचिंग ताज़ा खबर बार बार, बट वन टाइम इट इज़ डेफिनेटली ग्रेट वॉच, तो तुम लोग जाके चेक कर सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। मुझे अगर मेरा रिव्यू पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो threedeep_dy_ यहाँ पे आ रहा होगा, जाकर फॉलो कर लो। एंड यहाँ पे तुम लोगों का युद्धरा का मूवी रिव्यू आ रहा होगा कि कैसे एक पोटेंशियली वेरी गुड मूवी को कोई बर्बाद कर सकता है, तो जाके चेक कर लेना। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही था, पीस आउट, टेक केयर।